तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा स्टील रजिस्टर रिलेशन के रिलेटेड झारखंड जी का। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले थर्ड वीडियो हम लोग बना चुके हैं, थर्ड पार्ट नहीं देखो, एक से लेकर थर्ड तक तो देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 41 पूछा, देखिए झारखंड के किस जिले से ब्राह्मणी नदी निकलती है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा दुमका से निकलती है, याद रखिएगा दुमका आपका जो कि दुमका की स्थित दुधवा पहाड़ी से, ठीक है, याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है, देखिए झारखंड के किस जिले में देखिए उधवा जल पक्षी अभयारण्य अवस्थित है, यानी स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका साहिबगंज में स्थित है, ठीक है। और इसको बात करेंगे तो 1991 को मान्यता मिली थी, और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए तो 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया, देखिए जमशेदपुर में किस वर्ष वर्क्स यूनियन की स्थापना की गई थी, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका 1920 में, ठीक है, 1920 में स्थापित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, यदि नाम पूछे तो याद रखिएगा आपका बैरिस्टर सुरेंद्रनाथ हल्दर ने, ठीक है, और याद रखिएगा इसका नाम आपका, पहले इसका नाम था जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, बाद में इसका टाटा वर्क्स यूनियन कर दिया गया, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा 1937 को इसका नाम बदला गया था, ठीक है, याद रखिएगा किसके, तो अब्दुल बारी के द्वारी के द्वारा, ठीक है, जो कि एक प्रोफेसर थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1920 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया, तो याद रखिएगा लाहौर दगा में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 29.95%, ठीक है। और देखिए यदि आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा 29.62%, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, और यदि निजी क्षेत्रों को मिला दिया जाए टोटल, तो ये आपका हो जाता है 33%, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा, देखिए झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा नेतरहाट को कहा जाता है, ठीक है, नेतरहाट को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपका लातेहार, ठीक है, लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा नेतरहाट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहे थे, झारखंड राज्य का रजरप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिएगा आपका भगवान शिव का, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका किस नदी के किनारे यदि बसा हुआ तो पूछा जाए, तो याद रखिएगा आपका भैरवी, ठीक है, आपका भैरवी और दामोदर नदी के संगम, ठीक है, दामोदर नदी के किनारे पे ये बसा हुआ, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि देखिए कौन से जिले में पड़ता है रजरप्पा मंदिर, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए यहाँ पे पूछा, देखिए भारत का सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना, ठीक है, झारखंड के किस जिले में स्थित है, देखिए बोकारो में स्थित है, ठीक है, और यह किसके मदद से बनाया गया था यदि पूछा जाए, तो याद रखिए रूस, ठीक है, सोवियत संघ के मदद से बनाया गया था, ठीक है। और बात करें तो ये कब बनाया गया था, तो याद रखिए तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत ये बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, झारखंड में सोनान संथाल समाज की स्थापना किसने की थी, कि सोनात, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका 1970, ठीक है, याद रखिए 1970 में किसके द्वारा, तो याद रखिएगा शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है, देखिए बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये आपका चतरा जिला में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमें पूछा है, देखिए झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा पाकुड़, कितना है, तो याद रखिएगा 48.82%, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है, देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरते हैं, ठीक है? तो ये देखिए टोटल 15, ठीक है, 15 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना वो झारखंड राज्य से होकर गुजरते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, देखिए, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चले गए कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इसका आंसर जरूर से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए, झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, यहाँ पे झारखंड पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1845 को, ठीक है, 1845 को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा, देखिए, झारखंड की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो यार देखिए संथाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कि देखिए संथाल जाति सबसे ज्यादा पाई जाती है कहाँ, तो याद रखिएगा बाकी झारखंड में, ठीक है, किसके, तो जनसंख्या की दृष्टि, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे पूछा, देखिए, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिए कुआं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए पूछा गया, झारखंड राज्य का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार झारखंड के एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा पूछा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए आपका दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। देखिए बराकर नदी कहाँ पे स्थित है, कमेंट कीजिएगा, सोनरेखा नदी कहाँ से गुजरती है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अजय नदी कहाँ पे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 58 पूछ रहा है, झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो यह देखिएगा आपका धनबाद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें क्वेश्चन 59 तो पूछ रहे, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है, तो यह देखिएगा आपका बोकारो जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा, देखिए झारखंड के किस जिले में छव नृत्य का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है साहिबगंज, ऑप्शन बी है सरायकेला, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है कोडरमा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं, और मिलते हैं इसके पांचवें भाग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।